वेलकम बैक टू द चैनल लेह द टर्म में आपका स्वागत है गाइस। आज का जो वीडियो है उसके हमारे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं हमारे पास कि आप इस पे वीडियो बनाइए, और हमें भी मतलब काफ़ी डिमांडिंग था हमारे लिए भी जब हमने नेक्सॉन नहीं ली थी। और हमने जब नेक्सॉन ली और यूट्यूब में हमने सर्च किया तो हमारे पास कोई प्रैक्टिकल वीडियो नहीं मिल पाया था उसका, और वो है इसका गाड़ी का ए पिलर। तो ए पिलर कितना मतलब कॉर्नर्स को जस्टिफाई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, और कितनी विजिबिलिटी हो रही है जब हम मोड काट रहे हैं, तो आज हम उस पर बात करेंगे। और शुरू करने से पहले क्या करना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सो गाइस, जैसा भी आपको नेहा ने बताया कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी इस ए पिलर को लेकर, और जब हम लोग गाड़ी लेने वाले थे तो हमें भी ये बहुत बड़ा संदेह था हमारे माइंड में, बहुत बड़ा डाउट था कि ये ए पिलर क्या सच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है रोड पे। और आज आप लोगों की डिमांड पे ही जितने कमेंट्स आए हैं हमारे पिछले वीडियो पे, मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि क्या वाकई हिल्स पे ये ए पिलर जो है इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नेक्सॉन पे कि गाड़ी चलाना ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ जो है पूरा शूट करके दिखाऊंगा कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है गाड़ी चलाने में। और मैं अभी ऐसी रोड पे हूँ जहाँ पर टर्न ही टर्न है और पूरा हिल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और मैं अब आपको सामने से दिखाता हूँ कि ड्राइविंग का जो व्यू है, मैं इसको अपने हेड पे जो है इसको माउंट करूँगा कैमरे का, और उसके बाद आपको दिखाऊँगा कि ड्राइवर व्यू क्या है, कि ड्राइवर को कितनी दिक्कत हो रही है मोड़ों पर नेक्सॉन चलाने पर इस ए पिलर से। और ड्राइविंग सीट से अब आपको ड्राइवर का व्यू मिल रहा है पूरा का पूरा कि कितनी इसमें प्रॉब्लम हो रही है गाड़ी चलाने में, या बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, जब मैं चलाता हूँ तो जब मैंने फर्स्ट डे चलाया, क्योंकि आप सभी को बताया कि मैंने स्विफ्ट से जो है अपग्रेड कराया नेक्सॉन पे, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुई, थोड़ी सी मुझे अंतर हुई, लेकिन अब मुझे इतना टाइम हो गया है इस गाड़ी को चलाते चलाते तो मेरी पूरी हैबिट हो गई है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है अब इस गाड़ी को चलाने में, और ए पिलर मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करता है। और बाकी व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, को आप देख सकते हैं मोड़ पे। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर को, कि ए पिलर बाकी गाड़ियों में भी होता ही है, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा पतला होगा, अगर एक इंच उसकी मोटाई बढ़ गई है तो इससे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी कि गाड़ी चलाना ही मुश्किल हो जाए। तो आप लोग देखिए यहाँ पर, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आप किस तरीके से मोड़ों पर मोड़ता हूँ। आगे जो मोड़ आएंगे उस पर मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से गाड़ी मोड़ रही है और कितनी विजिबिलिटी है गाड़ी की। सो गाइस देखिए, पहला टर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और पहले टर्न पर ही यहाँ पर ये काम हो रहा है, लेकिन अगर हम फ्रंट से देखते तो नहीं दिखता। तो हमें कहाँ से देखा, हमने विंडो वाले पोर्शन से देखा है यहाँ पर। तो नेक्सॉन चलाने में थोड़ा सा ड्राइविंग में भी इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ता है हिल्स पे, कि अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमें कितना दिख रहा है, और फिर उसके बाद विंडो वाले एरिया से देखते हैं। आप जब कभी हिल्स पर जाते होंगे छुट्टियाँ मनाने, तो आप देखते होंगे कि जो उतने भी हिल के ड्राइवर हैं, जो पहाड़ी ड्राइवर होते हैं, वो मोड़ों पे उनका चेहरा जो है वो खिड़की से बाहर होता है, ड्राइवर वाली सीट से बाहर होता है। तो वो केवल नेक्सॉन पे ही नहीं है, बाकी गाड़ियों पे भी है। आप जब गौर करेंगे अब से तो देखिएगा, जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो मोस्टली स्विफ्ट हो या महिंद्रा की जो आपकी जो आती है बुलेरो, वो कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो मोड़ों पर अधिकतर वो खिड़की से देखते हैं मोड़ कैसे काटना है। तो देखिए आगे एक और मोड़ आ रहा है, अब देखते हैं यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये देखिए, अब ये है विजिबिलिटी और ये वाला पोर्शन ये है। तो आप खुद फैसला कर सकते हैं, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा इसमें, या मैं कोई रिव्यू नहीं दूंगा इसके ए पिलर का, बिकॉज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मेरा हाथ बिल्कुल सेट हो चुका है इसको चलाने में। बट आप इस व्यू को देख के खुद फैसला कर सकते हैं कि कितनी विजिबिलिटी है ए पिलर के मोटा होने से और कितनी कम हुई है। तो मुझे तो ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर किसी गाड़ी में ए पिलर तो सभी में थोड़ा सा उसमें कम होगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है। सो जितने लोगों ने कमेंट करा था कि हमें ए पिलर का वीडियो चाहिए, वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के साथ देख सकते हैं। मैं कोई बैठ के सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा हूँ घर में बैठ के कि नेक्सॉन का ए पिलर मोटा है और इससे दिखता नहीं है, मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऐसे बहुत कम वीडियो हैं YouTube में, क्योंकि जब हम गाड़ी लेना चाहते तो हमने भी बहुत ज़्यादा सर्च करा इस बारे में कि कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जो हिल्स पे गाड़ी चलाते हुए हमें दिख जाए, मतलब लाइव उसका एक व्यू मिल जाए कि गाड़ी में कितना प्रॉब्लम आ रही है चलाने पे ए पिलर की वजह से। बट ऐसा कुछ नहीं है,
सो आई होप गाइज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, की ब्लेस्ड।